हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला में यह देखने को मिलता है कि उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है यह जानने की कि उनके घर में एक लड़का पल रहा है या फिर एक लड़की पल रही है। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक, उनके मन में यह सवाल हमेशा उठता रहता है कि उनके घर में आखिर है क्या, यानी कि उन्होंने एक बेबी बॉय को कंसीव किया या बेबी। दोस्तों वो तरह तरह की वीडियो या उपाय करती हैं यह जानने के कि उनके घर में जो रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो दोस्तों देखिए, बिना अल्ट्रासाउंड के यह जानना एकदम नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बदलाव या संकेत महिला को नजर आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं जिससे कि कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में लड़का है या फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं या मेरा चैनल जेंडर प्रोडक्शन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। हम बेटा बेटी में कोई भी भेदभाव की भावना नहीं रखते हैं। आप मेरी वीडियो को एक एंटरटेनमेंट की तरह। दोस्तों ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो बेबी बॉय होने के माने जाते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को अंत जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं पहले लक्षण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण माना जाता है, अगर गर्भवती महिला को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक अगर कभी भी महिला को ना हल्की सी भी स्पॉटिंग होती है तो माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है, और थोड़ी सी भी अगर ब्लडिंग उनको होती है या दिखती है तो यह लड़का होने का एक लक्षण माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर अगर स्पॉटिंग होती है तो यह खतरे का भी संकेत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग मतलब ब्लडिंग हो रही है तो यह खतरे की निशानी है। ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसर्न जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको हल्की सी भी ब्लडिंग हुई है तो दोस्तों इससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया, यानी कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो एक लड़का है। नेक्स्ट लक्षण माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के नाखून बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा टूटे भी हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान तो यह लड़का होने का संकेत माना जाता है। प्रेगनेंसी से पहले अगर आपके नाखून बिल्कुल भी नहीं बढ़ते थे और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपके नाखून बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं तो यह लड़का होने का लक्षण माना जाता है, यानी कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो एक लड़का है। नेक्स्ट लक्षण है जिन महिलाओं के पेट की जो त्वचा है ना वो काली पड़ने लग जाती है, गर्दन के पीछे कालापन सा आ जाता है, निप्पल्स का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, चेहरे पे झाइयां पिंपल्स नजर आने लगते हैं, अंडर आर्म्स काले पड़ने लगते हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स अगर आपके काले पड़ने लग जाते हैं तो इसी से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया, यानी कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो एक लड़का। माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर महिला के शरीर में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो काले पड़ने लग जाते हैं, यह लक्षण लड़का होने का काफी हद तक सटीक माना जाता है। नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को बच्चे की हलचल वो पेट के दाहिने हिस्से में महसूस होती है, पेट के निचले हिस्से में महसूस होती है और नाभि के निचले हिस्से में महसूस होती है तो यह गर्भ में लड़का होने का एक सटीक लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट लक्षण बहुत ही खास माना जाता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं को सुबह के टाइम पर बहुत ज्यादा उल्टियां होती हैं और जी मिचलाता है तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया, यानी कि उनके घर में एक लड़की पल रही है। वहीं जिन महिलाओं को शाम के टाइम पर उल्टियां या वॉमिटिंग की समस्या होती है, जी मिचलाता है तो ऐसा माना जाता है कि उनके घर में एक लड़का पल रहा है। और दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं को कम उल्टियां होती हैं या कम वॉमिटिंग होती है, बहुत कम जी मिचलाता है या फिर बिल्कुल भी उल्टियां वॉमिटिंग नहीं होती है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में जो शिशु पल रहा है वो एक लड़का है। दोस्तों नेक्स्ट लक्षण की बात करूँ तो वो है प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को बच्चे की जो हलचल है ना बहुत तेज महसूस होती है, यानी कि बच्चे की किक आपको बहुत तेज महसूस होती है, देरी से बच्चा हलचल करता है, लड़का बहुत तेज हलचल करता है, अगर आपको बच्चे की किक बहुत तेज महसूस होती है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं, काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके जो घर में शिशु पल रहा है वो एक लड़का है। दोस्तों नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ वो है हमारे पेट के ऊपर जो एक डार्क काली लाइन बनती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो दोस्तों ये लाइन जो है ना नाभि से ऊपर और नाभि के ऊपर से लेकर नाभि के नीचे तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है तो काफी हद तक आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को। तो देखिए दोस्तों ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी टाइम में नजर आ रहे हैं तो इससे आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो एक लड़का है। लेकिन दोस्तों इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है तो दोस्तों इससे आप 100% इस बात को आप 100% सही नहीं मान सकती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।